Hello, champions, and a very, very, very good afternoon to all of you. So, how are you all? कैसे सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे. Excited हैं आज के session के लिए? I hope yes. Each and every one of you super duper excited for today's session. चलिए great. So, आज का session start करते हैं. Quiz format में आज का session करेंगे. आपके सामने 8 questions हैं. और आपको इन क्वेश्चंस में बताना है किस किस पार्ट में एरर है. तो क्विज है आज, बेसिकली क्विज फॉर्मेट में आज हम करने वाले हैं. रेडी? चलिए. सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, जो 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी, उसको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए 800 मिलियंस नंबर यूनिट बेनिफिशियरीज नाउन. तो जब भी नंबर यूनिट नाउन दिया होता है तो यूनिट कैसी आती है? जब भी नंबर यूनिट नाउन होता है या नंबर यूनिट एडजेक्टिव होती है, यूनिट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगुलर. इसका मतलब मिलियंस की जगह यहाँ पे क्या आएगा? मिलियन आएगा. 800 मिलियन बेनिफिशियरीज जिनको कवर किया गया इसके अंदर. कोविड की हार्डशिप्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीने तक, और सेप्टेम्बर 2022 तक ये चलेगा. सो बी पार्ट इज इनकरेक्ट. हाँ बेटा, परफेक्शन तो रोज होता है, आज भी हुआ था. आप लोग टेलीग्राम चैनल पे एडेड नहीं हो क्या? जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल पे एडेड नहीं है, अपने आप को ऐड कर लो टेलीग्राम पे, क्योंकि वहां पे लिंक्स आ जाते हैं. आपकी क्लास मिस हो जाएगी नहीं तो, अगर आपको पता ही नहीं चलेगा क्लास का लिंक कौन सा है. तो मेक श्योर कि आप अपने आप को ऐड कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन. सभी को पता है कॉन्सेप्ट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का, कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच आता है. नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद क्या आता है? सेम पार्ट ऑफ स्पीच आता है. नॉट ओनली की जगह नॉट जस्ट भी लिख सकते हो. नॉट जस्ट का मतलब भी नॉट ओनली होता है. तो बट ऑल्सो कंसिडर है, तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आएगा? वर्ब ही आएगी. तो इसका मतलब नॉट ओनली कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा. जरूरी है कि ना केवल हम रिस्पॉन्ड करें बल्कि उसको हम कंसिडर भी करें, बल्कि उसको हम माने भी. तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नॉट जस्ट रिस्पॉन्ड टू द हंगर एंड द फूड सिक्योरिटी नीड्स. ना केवल हम रिस्पॉन्ड करें उनकी जरूरतों को, बल्कि हम उसको ऐसी एक ग्लोबल कम्युनिटी भी माने जिससे कि ह्यूमन सफरिंग से बचा जा सके. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? ए पार्ट इज इनकरेक्ट. हमेशा याद रखना, नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है, वही पार्ट ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद भी आता है. तो क्या है? इम्पॉर्टेंट टू. इम्पॉर्टेंट है
क्या इम्पोर्टेंट है कि ना केवल हम रिस्पॉन्ड करें बल्कि हम कंसिडर भी करें। तो ये जो इम्पोर्टेंट टू है कॉमन है इन दोनों का, इन दोनों का कॉमन है तो इन दोनों से पहले आएगा, इन दोनों का कॉमन है तो इन दोनों से पहले आएगा, तो यहाँ पे आएगा। क्लियर? कंसिडर के साथ एज नहीं आता, तो ये कंसिडर के आगे क्या लिखा हुआ, एड्रेसिंग देम, उनको कंसिडर करें, उनको हम वो कंसिडर करें, उनको एड्रेस करना। अगर यहाँ पे एज लिखा होता तो बेटा गलत होता, ये एज आगे वाले सेंटेंस का पार्ट है। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसर्च जो की गई इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये किस चीज़ को पॉइंट आउट करती है? उन प्रोग्राम्स को जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसकी तरफ, उन कंडीशंस को बनाने की तरफ, शांति की। चार एरियाज में, चार एरियाज क्या हैं? यूनिटी को स्ट्रांग बनाना, लिंक को अच्छा करना, पैरलिज्म समझ में आ रहा है, बोलस्टरिंग, स्ट्रेंथनिंग, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, रिजॉल्विंग, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, उनको रिजॉल्व करना, उन प्रॉब्लम्स को खत्म करना। तो यहाँ पे रिजॉल्व नहीं आएगा, यहाँ पे रिजॉल्विंग आएगा बिकॉज ऑफ द पैरेललिज्म। बोलस्टरिंग का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथनिंग का भी मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग करना, और यहाँ पे तो रिजॉल्विंग आएगा ही आएगा। बट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वॉट, किसको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? प्रोग्राम कंडीशन क्रिएट करने को, तो ये नाउन है, नाउन है, इसलिए V1 प्लस ING आया है। विद इन मीन्स कम्युनिटीज के अंदर, और बिटवीन आपस में, दो कम्युनिटीज की बात हो रही होगी इसलिए बिटवीन लगा हुआ है, बिटवीन में कोई एरर नहीं है। दो की बात होती है तो बिटवीन लगता है, दो से ज्यादा की बात होती है तो अमंग लगता है, हमें दे ही नहीं रखा कितने की बात हो रही है तो बिटवीन लगा रखा है। नेक्स्ट। इंडिया ने बहुत अच्छी खासी प्रोग्रेस करी है हंगर और मैल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने में, बट बहुत कुछ करना अभी बाकी है, और हमें इस रास्ते को कंटिन्यू करना चाहिए एज द ट्रेल ब्लेजर। ट्रेल ब्लेजर मीन्स इसको हमें फॉलो करना चाहिए एक्सेस में, और लोग एक्सेस देना चाहिए, सब लोगों को सारी चीजें मिलनी चाहिए, सब लोग इंक्लूडेड होने चाहिए। दो नहीं, थ्रू आएगा, प्रपोजिशन आएगा। दो तो एक कंजंक्शन होता है, दो का मतलब होता है हालांकि, थ्रू का मतलब होता है उसके थ्रू, उसके द्वारा, तो यहाँ पे दो नहीं आएगा, थ्रू आएगा। दैट मीन्स व्हिच पार्ट इज इनकरेक्ट, डी पार्ट इज इनकरेक्ट। दो की जगह क्या आएगा, थ्रू आएगा। अलॉट मीन्स बहुत कुछ करना है, अलॉट नीड्स टू बी डन मीन्स बहुत कुछ है जो अभी करना बाकी।
ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को शुरू करती है, जो इनोवेट करता है, जो स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं ट्रेल ब्लेजर। एक्सेस को नाउन की तरह यूज किया गया है। इंक्लूजन इज ऑल्सो अ नाउन, दोनों नाउन है। नीड क्यों नहीं आया? अ लॉट सिंगुलर है, वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आएगा, इसलिए नीड्स आया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेसिंग क्यों करना चाहते हो, मुझे रीजन बताओ। इसमें आईएनजी क्यों लगाना चाहते हो? इनके आगे कोई नाउन लगा हुआ है, उसमें आईएनजी क्यों लगाने का मन है? इन दिल्ली, इन मैनेजमेंट, इन दैट, क्यों आईएनजी लगाने का मन है नाउन में? एक्सेस के आगे टू तब आएगा जब किसी का एक्सेस बताया जा रहा होगा, एक्सेस टू द लाइब्रेरी, एक्सेस टू समथिंग। अगर यहाँ पे वो समथिंग लिखा हुआ होता तो टू आता। आप लोग पता कैसी बातें करते हो, मैं आपको बताती हूँ। आपने पढ़ लिया कि बेस्ट जूनियर के साथ टू लगता है, आपने इसको रट लिया। आपने रट लिया कि सफरिंग के साथ फ्रॉम लगता है, आपने इसको रट लिया। लेकिन आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा कि ये दोनों प्रेपोजिशन तब लगते हैं जब इनके आगे इनका नाउन होता है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज माई जूनियर हु वॉन्ट्स टू परफॉर्म वेल। आपने क्वेश्चन क्या किया, मैम जूनियर के आगे तो आप ही ने पढ़ाया था टू लगा होता है, यहाँ पे बताओ टू कहाँ लिखा हुआ है। तो ये गलत है बेटा, जूनियर के आगे टू तब लगेगा जब टू के आगे कोई नाउन भी होगा। ही इज जूनियर टू राम, शी इज जूनियर टू श्याम। जब कोई आगे नाउन होगा तब प्रपोजिशन लगता है, नाउन के बिना प्रपोजिशन नहीं आता है। सफरिंग के आगे फ्रॉम तब आएगा जब आगे कोई बीमारी का, कोई प्रॉब्लम का नाम हो रखा होगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज। अगर दिस डिसीज ही नहीं है तो फ्रॉम भी नहीं आएगा, इट्स अ ग्रेट सफरिंग। विच विल बी रिमेम्बर्ड ऑलवेज। अब यहां पे फ्रॉम नहीं आएगा क्योंकि इस सफरिंग का आगे का नाउन नहीं है। सेम केस यहाँ पे देखो, क्या एक्सेस के आगे का नाउन है? इसके आगे एक्सेस के आगे का नाउन नहीं है तो बीच में प्रपोजिशन भी नहीं आएगा। क्लियर सभी को जिनका डाउट था? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 आवर्स कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है, आज 3 बजे, पता है ना सभी को, एडजेक्टिव की क्लास है। 50 आवर फाउंडेशन कोर्स आज फाइनली स्टार्ट हो रहा है और 3 PM पे आप सभी की एडजेक्टिव की क्लास है। हाँ यूट्यूब पे निमिषा बंसल चैनल। वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसी की तरह ये जो WFP है और जो इंडिया है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की तरह इस पार्टनरशिप को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फूड इमरजेंसीज को हैंडल करने में। स्ट्रेंथिंग जैसा कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है? स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथन वर्ब होती है, वर्ब में ING लगाते हैं। स्ट्रेंथ तो नाउन होता है, नाउन के साथ कभी भी ING नहीं लगाते, वर्ब में ING लगता है। तो वर्ब क्या होती है? स्ट्रेंथन। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्ट्रेंथनिंग।
ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स की, जो ह्यूमन रिस्पॉन्ड करता है उसको उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, तो यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग आएगा। और इस चीज को अपने अंदर बसा ले कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, वी डू नॉट हैव टू लीव एनी वन बिहाइंड। ये जो दुनिया है ये एक ही जगह है और सबको साथ में लेके चलना है। तो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। एड्रेसिंग क्यों आया? कॉन्ट्रीब्यूट टू वॉट, किस चीज में कॉन्ट्रीब्यूट करोगे? फूड इमरजेंसीज को हैंडल करने में। जब भी वॉट का आंसर मिलता है वहां पे नाउन आता है, तो ये एड्रेसिंग कैसे इस्तेमाल हुआ है? जेरेंड की तरह, V1 प्लस ING है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एड्रेसिंग आएगा। एड्रेसिंग बेटा नाउन है यहाँ पे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिसी मेकर्स को एक क्रिटिकल चॉइस को एक्सरसाइज करना है रिगार्डिंग कौन बेयर करेगा। पेट्रोल प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो उसका बर्डन कौन बेयर करेगा? कंज्यूमर्स बेयर करेंगे या इंडस्ट्रियल यूजर्स बेयर करेंगे? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेयर करेंगे या गवर्नमेंट बेयर करेगा? तो कौन का मतलब क्या होता है? हु बेयर्स द बर्डन। इसका जो बर्डन है कौन बेयर करेगा? हु बेयर्स इट। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। मार्केट नाउन है तो उसमें आईएनजी कैसे? मार्केट वर्ब भी है बेटा। आपने प्रोडक्ट्स को मार्केट किया, क्या किया? मार्केट किया, एक्शन की बात हो रही है तो मार्केट इज अ वर्ब आल्सो। अमंग क्यों लिखा हुआ है? अमंग कहाँ लिखा? अमंग मोर देन टू है, फोर है, इसलिए अमंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएं, और महंगाई भी बढ़ती जा रही है इंडिया में और बाहर भी, तो आरबीआई को लगता है कि आरबीआई को सही लगता है कि आरबीआई भी पॉलिसी रेट को बढ़ाएगा। बढ़ाएगी को क्या बोलते हैं? रेज। राइज का मतलब होता है खुद से बढ़ना, और बढ़ाना होता है रेज। तो आरबीआई जो है पॉलिसी रेट को बढ़ाएगा, तो यहाँ पे रेज आएगा, यहाँ पे राइज नहीं आएगा। राइज का मीनिंग होता है खुद से बढ़ना और रेज का मतलब होता है बढ़ाना। दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। माउंट के आगे ऑन क्यों लगा रहे हो? इंडिया के लिए ऑन, माउंट ऑन इंडिया, इंडिया पर चढ़ रहा है, इंडिया में बढ़ रहा है। माउंट का मतलब है बढ़ रहा है, इंडिया पे चढ़ेगा कैसे? माउंट ऑन इंडिया कैसे कर रहे हो? इंडिया में बढ़ रहा है तो में का मतलब है इन। बेटा ग्रामर के लिए कोशिश करो लाइव में आओ, अगर लाइव में नहीं आ रहे हो तो रिकॉर्डेड वाला भी देख सकते हो, बट कोशिश करो लाइव करो 50 आवर वाला फाउंडेशन कोर्स।
कोप अप विद जैसा कुछ भी नहीं होता है, कोप विद होता है। तो 2020 में जब दूसरी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी कि वो कोरोना वायरस से कोप कर सके, डील कर सके, चाइना का जो आउटपुट था वो इतना था, चाइना जो है प्रीवियस ईयर से बढ़ गया था। जब सब स्ट्रगल कर रहे थे, बाकी चाइना आगे बढ़ रहा था। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। क्लियर? जो बच्चे पूछ रहे हैं, मैम आरबी असिस्टेंट देखें या वो क्या, आप यूट्यूब पर देखें, मतलब आपकी चॉइस है। आप आरबी असिस्टेंट में भी देख सकते हो, फाउंडेशन कोर्स भी देख सकते हो, दोनों आपकी कंप्लीट चॉइस है। दोनों में ही मैं ही हूँ पढ़ाने वाली, मैंने ही पढ़ाया है और ग्रामर ही पढ़ाया है। हाँ, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक मैंने यहाँ पे फॉर्म पिन कर दिया है, किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, टीम आपको कॉल कर लेगी। अब हम मिलेंगे 3 बजे, जहाँ पे मैं टॉपिक जो पढ़ाने वाली हूँ वो एडजेक्टिव्स है, नहीं बेटे वोकैब कल से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो एडजेक्टिव्स है, तो एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे 3 बजे फाउंडेशन कोर्स में, यूट्यूब पे निमिषा बंसल चैनल पे। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आरबी असिस्टेंट वाला कोर्स भी अपने आप में कंप्लीट है, जो 50 आवर का फाउंडेशन कोर्स है उसको भी मैं करवा रही हूँ। तो जहां पे आपको अच्छा लगे, जैसे जैसे आपका टाइम मैनेज हो सके, आप वैसे कर सकते हो। ठीक है? और जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, मेक श्योर कीजिए कि आप सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि परफेक्शन बैच बहुत इंपॉर्टेंट है और परफेक्शन बैच का एक सिंगल सेशन भी किसी भी बच्चे को मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। अगर आप परफेक्शन बैच मिस कर रहे हो, मतलब आप बहुत बच्चों से बहुत पीछे हो। 12 या 24 महीने में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड आपको क्या लगाना है? निमिषा, NIMISH। इस कोड को लगाओगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पैरालिज्म का बेटा मैं पूरा एक टॉपिक पढ़ाऊंगी 50 आवर फाउंडेशन कोर्स में, डोंट वरी। जिन बच्चों को पैरालिज्म में डाउट है, पैरालिज्म पूरा मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है? कोड आपको क्या लगाना है? निमिषा, NIMISH। इस कोड को लगाओगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये रहा आज का फाइनल लीडर बोर्ड। ठीक है, तो आज का सेशन एंड करते हैं, और 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे। 1 2 3 एंड गो। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश एंड आई विल डेफिनेटली गेट माय ड्रीम जॉब। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। टेक केयर। स्टे ब्लेस्ड एंड